क्योंकि मैं भी इस फील्ड से रहा हूँ, जहाँ भी कोई प्रोग्राम होता है ये चेहरे मुझे हमेशा मिलते हैं, अगर नहीं बनती बड़ी मेहनत करते हैं लोग। और आज मैं सबसे ज्यादा करते तो भाई भाई ने अभी रागनी सुनाई, मुझे देखने में बड़े मासूम से लग रहे थे। अपनी सेना खड़ी की, INA खड़ी की, आधार इनफोर्स, और उसके मार्फत इस देश में अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, और उस समय की CID CBI इनको कैद नहीं कर सकी, और ये जेल को धत्ता बताते हुए, अंग्रेज की CID को धत्ता बताते हुए उसको छोड़ करके, और इन्होंने जब चाहा जब ये आजाद हो गए और देश छोड़ना चाहता देश को छोड़ कर चले गए। और उस समय जब हिटलर का पूरी दुनिया में तुट्टी बोला थी, उस हिटलर को धमकाने वाले या इंसल्ट करने वाले पहले व्यक्ति नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस से उन्होंने मिलने की पेशकश की और उनसे मिले, तो उन्होंने हाथ मिलाने की जब कोशिश की तो नेताजी ने अपना हाथ, तो इन्होंने कहा था मेरे कहने से अगर तुम्हारे दिल के अंदर मेरे प्रति थोड़ी सी भी श्रद्धा है तो आप बैठ जाइए। और महात्मा गांधी जी का, नेहरू जी का उस समय बहुत सम्मान करते थे, सबको पता था विचारों में मतभेद है लेकिन लड़ाई मिलकर लड़ते थे। आज के नेताओं की तरह गिरावट नहीं थी कि एक दूसरा नेता जुत्तन जुत्ता और गाड़ी गलौज, और हम पार्लियामेंट में जब देखते हैं कुर्सी फेंकम फेंका, उस समय ऐसी राजनीति नहीं थी। मैं पंकज पाठक सभी देशवासियों से आज हमारे सुभाष चंद्र नेताजी की जयंती पर सभी को सबसे पहले एक मैसेज देना चाहूँगा। नेता का नाम जो है एक सफेद कुर्ता पजामा पहनने से कोई नेता नहीं बनता। अगर हमें नेताजी के जीवन परिचय से कुछ सीखना है तो हमें यह सीखना चाहिए कि हमें जनता पर नेतृत्व कैसे करना है। और नेतृत्व का मतलब ये नहीं होता कि हमें अगर पद मिल गया, हम पार्षद हो गए MLA हो गए तो हमें पद मिल गया तो हम नेता बन गए, नहीं। हमें नेतृत्व का मतलब ये होता है कि हमारे सुभाष चंद्र बोस जी ने एक नारा दिया था कि आप मुझे खून दो मैं आपको आजादी दूंगा। इसका मतलब है कि चाहे आप पद पर हो या न हो, लेकिन हमें उस नेतृत्व से करना है कि सबको सद्भावना के साथ एक समझना है, एकता के साथ जीना है, और देश के लिए देश हित में काम करना है। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ा था, इसलिए छोड़ा था कि क्योंकि वहां पर आपने देखा होगा कि कुछ उनके मतभेद थे। देश हित में अगर कोई काम करता है, चाहे वो BJP हो, चाहे कोई संगठन हो या समाज हो, कुछ भी हो, हमें देश हित के काम के लिए उस पर्सन के साथ, उस नेता के साथ, उस परिवार के साथ जुड़ जाना चाहिए। और इसी माध्यम से हमने यह शहीद यादगार मंच एक संगठन बनाया है। इस संगठन में सभी पार्टियों के नेता, अभिनेता, समाज के सभी संगठन के जितने भी कार्यकर्ता हैं सबका स्वागत है। लेकिन मैं सभी से निवेदन करूंगा, राजनीति को दूर रखते हुए हमें सिर्फ और सिर्फ ओनली उन शहीदों को याद करना है जिन शहीदों ने देश हित में अपने आप को, जीवन को कुर्बान किया है। सभी का बारंबार धन्यवाद, हार्दिक अभिनंदन। मेरा नाम श्रीपाल शर्मा है। शहीद यादगार मंच की तरफ से आज ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाई जा रही है, लक्ष्मण विहार Phase 2 वार्ड नंबर 10। नौजवानों को भी, महिलाओं को भी, बुजुर्गों को भी, बच्चों को भी, जो भी हमारे साथ यहाँ इस कार्यक्रम में शामिल है, सभी को ये संदेश देना चाहते हैं कि भाई नेताजी सुभाष चंद्र बोस से हमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है। अगर नेताजी सुभाष की जीवनी के बारे में हम जानेंगे तो हम अपने समाज को आगे दिशा दे पाएंगे, क्योंकि वो हमारे आदर्श थे और उन्होंने हमारे को बहुत कुछ दिया है। अगर इतिहास से हम उनको पढ़ते हैं, सीखते हैं, तो नेताजी सुभाष चंद्र के बारे में कौन नहीं जानता कि उन्होंने देश की आजादी के लिए क्या नहीं किया, अपना सब कुछ सर्वस्व न्योछार कर दिया, अपना जीवन बलिदान में लगा दिया। और ऐसे हजारों हजार लाखों लोग हमारे देश के इस बलिदान दे गए, और जब जाके हमें ये जैसी भी आजादी है ये मिली, और इस आजादी को और अच्छा करने के लिए नौजवानों को आगे आने की जरूरत है। जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को पढ़ेगा वो गलत रास्ते नहीं जा सकता। अगर नेताजी के जीवन चरित्र को पाठ्य पुस्तकों में लागू कर दे और बच्चे बच्चे तक उनके विचारों को पहुंचा दे, आम जनता तक उनके विचारों को अगर हम ले जाएं, तो इस देश के अंदर ये चोरी, डकैती, लूट, हत्या, ये सब बंद हो जाएगा। सब
अपने जीवन में संघर्ष करेंगे और उस संघर्ष के मार्फत इस देश को और अपने समाज को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने सन 2010 के आसपास सोना रोड पर नेताजी सुभाष चौक का नाम रखवाया, उसमें मैं श्रीपाल शर्मा भी एक व्यक्ति के रूप में शामिल था, और भगत सिंह चौक 2007 में, भगत सिंह चौक जो माता रोड पर गोल चक्कर है उसका हमने नामकरण करवाया भगत सिंह की 100वीं जयंती के अवसर पर, जिसमें मैं भी शामिल रहा मुख्य रूप से। तो हमने ये काम किया है और हमारी कोशिश है कि शहीद यादगार मंच की तरफ से गुड़गांव में नहीं पूरे हरियाणा में हम कोशिश करेंगे कि यह मंच इन शहीदों के विचारों को जनता तक ले जाने के लिए काम करे। भारत माता की, भारत माता की। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने सन 2010 के आसपास सोना रोड पर नेताजी सुभाष चौक का नाम रखवाया, उसमें मैं श्रीपाल शर्मा भी एक व्यक्ति के रूप में शामिल था, और भगत सिंह चौक 2007 में, भगत सिंह चौक जो माता रोड पर गोल चक्कर है उसका हमने नामकरण करवाया भगत सिंह की 100वीं जयंती के अवसर पर, जिसमें मैं भी शामिल रहा मुख्य रूप से। तो हमने ये काम किया है और हमारी कोशिश है कि शहीद यादगार मंच की तरफ से गुड़गांव में नहीं पूरे हरियाणा में हम कोशिश करेंगे कि यह मंच इन शहीदों के विचारों को जनता तक ले जाने के लिए काम करें।